नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेडबुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कल 21 अगस्त के दिन कहां पर कामकाज कर सकती है, आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के मार्केट में टारगेट कहां पर रहने वाले हैं। दूसरी चीज़, पहले मार्केट में देखते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने कहाँ पर कामकाज किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट ने हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बहुत ही भयंकर गैप डाउन मार्केट में देखने को मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट के अंदर। और मार्केट ने पहली ही कैंडल में, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में, इमीडिएटली इसी लेवल से नीचे की तरफ एक रिजेक्शन ली 10 बजे तक। वापस मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से नीचे आती है, डबल बॉटम यहाँ बनाने की कोशिश करती है और उसके बाद मार्केट फिर धीरे धीरे तकरीबन 19,335 लेवल्स के आसपास जाकर रुक जाती है। दोस्तों, इसी लेवल पर मार्केट में फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिलती है और रिजेक्शन मिलते ही फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 19,725 के आसपास मार्केट यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाती है। 19,725 पर काफ़ी देर मार्केट एक कंसोलिडेशन करती है और उसके बाद तकरीबन 2 बजे एक बड़ा ब्रेकआउट देती है जिसको हमने कैप्चर भी किया। तकरीबन 2:30 बजे तक मार्केट अपने दिन के हाई 19,317 लेवल्स को छू लेती है। इसके बाद तकरीबन काफ़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो 19,315 लेवल्स पे हुई है। दूसरी चीज, अब मार्केट कल कहां पर ओपन हो सकती है, इसको देखने के लिए हमें पहले ग्लोबल मार्केट्स की तरफ स्टडी करना पड़ेगा। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर मैं बात करूं सबसे पहले डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स फ्राइडे के दिन जो हमें क्लोजिंग देखे गया है वो तकरीबन 25 पॉइंट्स की है, मतलब बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग है डाउ जोन्स की। नैस्टैक की बात कर लें तो नैस्टैक भी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट -20 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। S&P इंडेक्स की बात करें प्योरली फ्लैट -1 पॉइंट पर। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर +13 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। अब दो आपको चीज़ों का ख्याल रखना है मार्केट के अंदर मंडे को। पहला, एक तो जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग है जो कि एक मार्केट पॉजिटिव वे में ले सकता है। और दूसरा, आपने मूडीज की जो इंडिया रेटिंग है इसकी न्यूज़ आफ्टर द मार्केट आई है जिसने इंडिया को Baa3 की रेटिंग दी है और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको एक स्टेबल आउटलुक का व्यू दिया है। तो दूसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, बट बिकॉज ये दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं तो एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग ही मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपनिंग आपकी 19,339 टू इस एरिया में कहीं पर हो सकती है, यहाँ पे मार्केट आपको ओपनिंग दे सकती है। तो आपको याद रखना है कॉल की पोजिशन, जैसे ही मार्केट अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक करेगा 19,379, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और ऊपर की जो आपको रेसिस्टेंसेस देखने को मिलेंगी मार्केट में वो 19,425 और 19,456, ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स में। अगर मार्केट 19,380 के लेवल को ब्रेक कर ऊपर निकलता है, पुट की पोजीशन सिर्फ एक ही केस में, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे अपना स्विंग को ब्रेक करता है। सो 19,315 का एरिया, मतलब जो आपका क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग के नीचे आप पुट की पोजीशन बैठ सकते हो और जो नीचे की आपको सपोर्ट्स नज़र आ जाएंगी मार्केट में वो पहली 19,725 जो कि पिछले दिन का लो है, माफ़ कीजिएगा 19,325 जो पिछले दिन का यहाँ पर लो है। और दूसरा लेवल आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में 19,275 जो पिछले दिन का लो है और 19,246, ये दो लेवल सपोर्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट 19,315 के नीचे निकलता है।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।